बच्चा बच्चा राज करेगा। आपने ये वर्ड आज हर उस बच्चे की जबान पर सुना होगा जो 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 साल का हुआ है, जिसको थोड़ी बहुत अकल जो है। आखिरकार ये बच्चा बच्चा है क्या? क्या ये कोई फिल्म है? क्या ये कोई फिल्म का डायलॉग है? क्या ये कोई सीरीज चल रही है? जी हाँ बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात चल रहे हैं और उस असेंबली इंतखाबात के दरमियान बहुत सारे लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। वहीं पर अगर डोडा 52 कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात करूं तो वहां पर एक कैंडिडेट जिसका नाम महराज मलिक है, वो भी लड़ रहे हैं। अक्सर कंट्रोवर्सियों में महराज मलिक को पाया गया है, कभी किसी तहसीलदार का गला पकड़ते हुए, तो कभी किसी वीडियो के ऊपर हाथ उठाते हुए, तो कभी कुछ लोगों को सस्पेंड कराते हुए महराज मलिक को पाया गया है। कुछ दिन पहले ठाठरी में एक स्कूल में स्वीप की रैली थी, सफाई अभियान की रैली थी, तो उस रैली के दरमियान बच्चे जो है उस रैली के जो स्लोगन थे वो दे रहे थे, तो उतने में बच्चों को जोश आ जाता है और बच्चे जो है नारा देने लगे, बच्चा बच्चा राज करेगा, बच्चा मज्जा राज करेगा। ये कुछ क्लिप है, ये आप देख लीजिए। उसके बाद महराज मलिक के ऊपर 6 केसेस लगाए गए हैं। इलेक्शन के दौरान उनके ऊपर एक और एफआईआर लगी है, जिसमें उनके ऊपर 6 एक्ट लगाए गए हैं। जो एफआईआर की कॉपी है उसको भी मैं अपने स्क्रीन पर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। उसके बावजूद आज नायब तहसीलदार भरत बगला सतविंदर सिंह के साथ उनकी मुठभेड़ हुई। महराज मलिक का शेड्यूल आज भरत बगला का था और उनकी जो गाड़ियां थी उनमें ओवरलोड, जाहिर सी बात है इलेक्शन है और इलेक्शन के टाइम पर ओवरलोड होना जाहिर सी बात है। हर उस रैली में आज जो है हर जो गाड़ी होती है उसके ऊपर बहुत सारे लोग होते हैं, गाड़ियां कम होती है, इलेक्शन में बहुत सारे लोग जो है गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, 50-50, 100-100 गाड़ियां एक एक रैली में होती है। तो वहीं पर नायब तहसीलदार भरत बगला सतविंदर सिंह को जो है एक कॉल आती है जिसमें यह बताया जाता है कि एक रैली आई है जो रोड पर रोड शो की तो उनको के पास इंफॉर्म ये है, परमिशन है, मगर वो रोड को ब्लॉक कर रहे हैं। तो जब नायब तहसीलदार भरत बगला सतविंदर सिंह उनके पास पहुंचे, उनको कहा कि आप रोड से गाड़ियों को हटाइए, कुछ ड्राइवर के कागज भी लिए और रोड पर शायद चालान भी हुआ, तो महराज मलिक की काफी उनके साथ लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ और उनके साथ धक्का मुक्की भी हुई जो बताया गया है। फिलहाल एक वीडियो क्लिप है जिसमें बाद में मीडिया ने भी कवर किया है और महराज मलिक के पेज पर भी जो है इस वीडियो को जो है शेयर किया गया है। इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे कि क्या असेंबली इंतखाबात को इसी तरह से कराया जाता है। आपने क्यों लिए हैं लोगों की गाड़ी? आपने गाड़ियों के कागज क्यों लिए हैं लोगों के? तो ड्राइवर है, मेरी बात सुने, बात कानून की नहीं है, आप कानून के साथ खेलते हैं, मत खेलिए, लोगों के कुछ नुकसान बंदा हूँ और मैं पार्टी के साथ चल रहा हूँ, मैं थोड़ी आ रहा हूँ, मिलने आए ओवरलोडिंग क्यों की है? गाड़ी का ओवरलोडिंग नहीं है भाई, गाड़ी का ओवरलोडिंग नहीं है।
बाकी पार्टी का कानून का ज्यादा ऐसा इस्तेमाल मत करिए जिससे इख्तलाफ होगा। आप बीच में खुद झगड़ा बना रहे हैं, आप क्रिएट कर रहे हैं। सिंपल एक बात सुन लीजिए मेरी, एडमिनिस्ट्रेशन ने गाड़ियां उठाकर ले ली है, एडमिनिस्ट्रेशन को दी है, पुलिस को दी है, सीआरपीएफ को दी है, लोगों की गाड़ियां उनके आपने कागजात जब्त करके ड्राइवरों को हरास करके उनको पता नहीं कहां कहां पहुंचाए, और लोकल लोग जिनको कंप्लेंट जिनके लिए इलेक्शन है उनकी गाड़ियां आपने उठा के बाहर ली और दौड़े क्या जवान जो है इसी तरह की हुकूमत जम्मू कश्मीर में चाहते हैं, ये देखना होगा। मैं कतन ही ये नहीं कह सकता हूं कि महाराज सही नहीं है या सही है, मगर ये भी नहीं कह सकता हूं कि डिस्ट्रिक्ट डोडा की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी सही नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर जो भी होते हैं वो पढ़ लिख कर बनते हैं, कुछ उन्हें केस किया होता है, कुछ उन्हें आईएएस किया होता है, कुछ उन्हें आईपीएस किया होता है, उसके बाद वो एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं। वहीं पर अगर मैं एक एमएलए की बात करूं तो वो एक अनपढ़ भी बन सकता है। ऐसा ना करें कि किसी को मेरी बात का गुस्सा आए। एमएलए के लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए मैं कह रहा हूं। ऐसा भी है कि पीएचडी होल्डर भी एमएलए बनते हैं, एमफिल पीएचडी बीएड करके भी एमएलए बनते हैं। मगर वहीं पर अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे एमएलए बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, झारखंड में, बहुत सारे राज्यों में ऐसे भी देखे गए हैं जो बिल्कुल सड़क छाप थे और उसके बाद जो है उनको जनता ने वोट दिया और वो हुकूमत उन्होंने की 5 साल तक। कहने का मकसद ये है कि जो एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो कंटिन्यू अपनी सर्विस करता है, मगर अगर वहीं पर एक सियासतदान होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल 10 साल 15 साल सियासत करता है, उसके बाद उसका जो वक्त होता है वो चेंज हो जाता है। अब देखना ये है हम लोगों ने कि क्या यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन सही थी या महाराज मलिक सही था। दोनों पक्ष जो है वीडियो के अंदर होंगे, इन दोनों पक्ष को आप वीडियो के ज़रिए देखने की कोशिश करें। और उसके बाद एक बात यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि मैं महराज मलिक के ख़िलाफ़ ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ना कि एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़। ये वीडियो जो है सिर्फ बनाने का मकसद ये है कि आखिरकार महराज मलिक जो कि एक गांव से निकला, इलेक्शन लड़ना चाहता है, राज करना चाहता है, लोगों के काम करना चाहता है, फिर भी क्यों जो है उनके साथ इस तरह की कंट्रोवर्सी हो रही है। आखिरकार उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को जो है सही तरीके से देखेंगे और अच्छे से अच्छे कमेंट करने की कोशिश करेंगे और तमाम उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो लोग आज इलेक्शन के जुम्मे और अपना वोट डालना चाहते हैं।